हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। नंबर सिस्टम कन्वर्जन के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए जो फर्स्ट मेथड है वो है सम ऑफ वेट मेथड। सम ऑफ वेट मेथड में हम डेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट सम ऑफ बाइनरी वेट में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डेसिमल नंबर है 12। 12 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 4, जो कि इक्विवेलेंट होगा 2 की पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम डेसिमल नंबर को उसके सम ऑफ बाइनरी वेट में एक्सप्रेस करते हैं और उसके बाद उसके एप्रोप्रिएट वेट पोजीशन पे 1 को प्लेस करते हैं और बाकी जगह पे हम 0 लिखते हैं। जैसे इस केस में हम सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे 1 को प्लेस करेंगे और बाकी प्लेसेस पे हम 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से 12 का इक्विवेलेंट जो बाइनरी नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 1100। इस मेथड में जब हम ये मेथड यूज करते हैं तो हमें बाइनरी वेट्स को याद रखना पड़ता है। तो जो लोएस्ट वेट होता है वो होता है 2 की पावर 0, जो कि होता है 1। और इसी तरीके से हम जैसे जैसे नेक्स्ट हायर वेट पे बढ़ते जाते हैं तो वेट डबल होते जाते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, तो जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो होता है 2 की पावर 0, जिसका वेट होता है जो इक्विवेलेंट होता है 1 के। नेक्स्ट वेट होता है 2 स्क्वायर, जो कि होता है 4। इसके बाद होता है 2 क्यूब, जो कि होता है 8, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम ये मेथड यूज करते हैं और किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 25। 25 को हम लिख सकते हैं 16 प्लस 8 प्लस 1, जो कि इक्विवेलेंट होगा 2 की पावर 4 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 0। तो यहाँ पे हम 1 को प्लेस करेंगे 0 पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे, और जो बाकी की प्लेसेस हैं वहां पे हम 0 लिखेंगे। तो जो नंबर हमें मिला है वो मिला है 110001। सिमिलरली 58 को हम लिख सकते हैं 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2, जो कि होगा 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे हम 1 को प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से 58 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 111010। इसी तरीके से हम पॉइंट्स वाले नंबर्स के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट्स में 0.625 को हम लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.125, जो कि इक्विवेलेंट होगा 2 की पावर माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 0.101। तो ये मेथड होता है सम ऑफ वेट मेथड, जिसकी हेल्प से हम किसी भी डेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, वो है रिपीटेड डिवीजन बाय टू मेथड। रिपीटेड डिवीजन बाय टू मेथड में हम सिस्टमैटिकली जो भी हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और जो भी उसका रिमाइंडर आया है वो मेंटेन करते हैं। जैसे हमें अगर नंबर दिया हुआ है 19, तो 19 को हम रिपीटेडली 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब हम 19 को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशेंट हमें मिलेगा वो मिलेगा 9 एंड जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो मिलेगा 1। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। हम 2 से इसको डिवाइड तब तक करते हैं जब तक कि हमें क्वोशेंट 0 नहीं मिल जाता। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 9 को तो आंसर हमें आएगा 4 और रिमाइंडर आएगा 1। नेक्स्ट हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके हमें मिलेगा 2 एंड रिमाइंडर आएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, इस टाइम हमको मिलेगा 1 और रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर इसका मिलेगा 0। तो यहाँ पे हम इसे तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमें रेंज में नंबर नहीं मिल जाते। जैसे हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी की रेंज होती है 0 एंड 1। तो अगर हमें 1 मिल गया है तो हम यहाँ पे अपना प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद हम इन नंबर्स को रिवर्स में लिखते हैं। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी नंबर्स हमें मिले हम इनको यहाँ पे रिवर्स में लिखते हैं। तो 19 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1 0 0 1 1।
एक और एग्जांपल हम देखेंगे, इस टाइम हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो है 45। 45 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 22 एंड रिमाइंडर वहां पे आता है 1। नेक्स्ट टाइम 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 11 एंड रिमाइंडर बचेगा 0। इसी तरीके से हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2 एंड रिमाइंडर 1। नेक्स्ट टाइम 2 से डिवाइड करेंगे तो मिला है 1 और रिमाइंडर मिलेगा 0। यहाँ पे हम प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं और इन नंबर्स को हम रिवर्स में लिखेंगे। तो 45 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा वो होगा 101101। अगर हमारे पास फ्रैक्शंस नंबर दिए हो, मतलब पॉइंट वाले नंबर दिए हो, तो उस केस में हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। इस मेथड को हम बोलते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय टू मेथड। तो जैसे अभी हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम रिपीटेडली इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है 0.3125, तो हम 0.3125 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें नंबर मिलता है 0.625। अब यहाँ पे हम कैरी मेंटेन करेंगे, जैसे वहां पे हम रिमाइंडर को मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पे हम कैरी को मेंटेन करेंगे। तो कैरी हमें यहाँ पे मिलेगा 0। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर बच गया है वो है 0.625। तो सेकेंड स्टेप में 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर हमें मिलेगा 1.25। कैरी को हम लिखेंगे 1 और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है 0.25 को अगेन 2 से हम मल्टीप्लाई करें, कैरी हमें मिलेगा 0। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं जितने पॉइंट वैल्यू हमें पूछे गए, मतलब अगर हमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक नंबर निकालने हैं या 3 वैल्यूज तक नंबर निकालने हैं उतने टाइम हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, या अगर हमको 0 मिल जाता है तब हम अपना प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं। जैसे 0.50 × 2 हम कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 1.00, तो यहाँ पे अब हमें 0 मिल चुका है तो यहाँ पे हम अपना प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं। कैरी यहाँ पे मिला है 1। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम रिवर्स में नंबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम नंबर्स को लिखते हैं टॉप टू बॉटम। तो जो इक्विवेलेंट नंबर हमें मिला है, मतलब 0.3125 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हमें मिला है वो होगा 0.0101। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब अगर हमें एक कन्वर्जन भी अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमने डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया था, तो बाकी सब कन्वर्जन हम इजीली कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे बेस चेंज होता है। तो जब हम डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे तो हम इसको रिपीटेडली 8 से डिवाइड करेंगे। तो नंबर हमारे पास है 359। 359 को हम 8 से डिवाइड करते हैं जब, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 44 और जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 7। नेक्स्ट टाइम जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 5 और जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 4। अब यहाँ पे हम अपना प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि 5 जो है वो रेंज में आ चुका है। जो ऑक्टल की रेंज है वो होती है 0 to 7। तो अगर हमें यहाँ पे 0 to 7 क्वेश्चन मिलता है तो हम अपना प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं। तो 359 का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा वो होगा 547। इसी तरीके से हम पॉइंट वाले नंबर्स भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है 29.23, तो 29 को तो हम सेम मेथड से ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी देखा था, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड जब हम करते हैं 29 को तो क्वेश्चन हमें मिलता है 3 एंड जो रिमाइंडर हमें मिलता है वो मिलता है 5। तो 29 का जो इक्विवेलेंट ऑक्टल होगा, ऑक्टल नंबर होगा, वो होगा 35। अब पॉइंट को हम अलग से सॉल्व करते हैं, पॉइंट 0.23 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो नंबर आएगा 1.84। तो कैरी यहाँ पे हमें मिला है 1। उसके बाद हम 0.84 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, नंबर हमें मिलेगा 6.72। अब हम यहाँ पे कैरी मेंटेन करेंगे 6 एंड नेक्स्ट स्टेप में 0.72 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो यहाँ पे हमें नंबर मिला है 5.76 और कैरी मिला है 5। तो इस तरीके से हमें जितने प्लेस तक करना है उतने प्लेस तक हम कर सकते हैं और यहाँ पे हम नंबर्स को टॉप टू बॉटम लिखते हैं। तो इक्विवेलेंट जो नंबर हमें मिला है वो मिला है 0.165।
तो इस तरीके से जो नंबर हमें दिया हुआ था डेसिमल नंबर 29.23, उसका जो ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा वो होगा 35.165। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने के लिए हम इसको रिपीटेडली 16 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल नंबर हमारे पास दिया हुआ है 650। 650 को जब हम 16 से डिवाइड करते हैं तो नंबर मिलता है 40, और जो रिमाइंडर हमारे पास आता है वो आता है 10। तो क्योंकि ये हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है तो हेक्साडेसिमल में 10 जो है वो इक्विवेलेंट होता है ए के, तो 10 जब हमें मिला है तो हमें लिखना पड़ेगा ए। नेक्स्ट स्टेप में हम 40 को अगेन डिवाइड करेंगे 16 से, तो जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो मिलेगा 2। अब यहाँ पे हम अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, तो जो इक्विवेलेंट नंबर हमारे पास मिला है वो मिला है 28A। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर दिए हों, जैसे 320.67, तो 320 के लिए हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 320 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 20 और रिमाइंडर यहाँ पे हमें मिला है 0। अगेन जब हम इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा और जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 4। तो इसको अगर हम लिखते हैं रिवर्स में तो नंबर मिलता है 140। 0.67 के लिए हम इसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर मिलता है 10.72। तो कैरी यहाँ पे मिला है 10, जो कि इक्विवेलेंट है ए के। नेक्स्ट स्टेप में 0.72 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, जो कि होगा 11.52। 11 को हम लिखते हैं बी, 0.52 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और नंबर मिलेगा 8.32। तो इस तरीके से हम पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यू तक फाइंड करते हैं, जितना भी हमें क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे हम 4 प्लेसेस तक इसको फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको टॉप टू बॉटम लिखते हैं। तो ये याद रखना है कि जब हम फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लिखते हैं तो हम हमेशा टॉप टू बॉटम लिखते हैं, जबकि जब हम नंबर्स के लिए लिखते हैं, जैसे जब हमने 320 के लिए लिखा था, होल नंबर के लिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं तब हम इसे रिवर्स में लिखते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा 0.67 का, उसको हम लिख सकते हैं AB85। तो इस तरीके से जो डेसिमल नंबर हमें दिया हुआ था 320.67, उसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो होगा 140.AB85। क्वेश्चंस टू सेल्फ टेस्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।